सब्सक्राइब करें सोहाइपर चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोहाइपर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानने वाले टॉप 10 फास्टेस्ट राजधानी एक्सप्रेस भारतीय रेलवे की 2020 के हिसाब से लिस्ट। तो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखें एंड तक देखिए। इस चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई टाइम वेस्ट किए अंदर चल के आज कुछ नया जान लेते हैं। दोस्तों, आज है मेरा हैप्पी वाला बर्थडे, तो आप मुझे अगर विश करना चाहते हैं तो विश कर सकते हैं। बस कमेंट बॉक्स में जाना है, जो भी आपकी जो शुभकामनाएं देनी है जो भी है सब दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बस जाइए, कमेंट करिए, मैं आपके सारे कमेंट रीड करूंगा। तो दोस्तों, राजधानी ट्रेन की शुरुआत 3 मार्च 1969 से हुई थी। मेनली सारी राजधानी एक्सप्रेस न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से चलती है। हर एक राज्य की सेपरेट राजधानी है, कुछ राज्यों के पास अभी भी उनकी राजधानी ट्रेन्स नहीं है। खैर दोस्तों, राजधानी एक्सप्रेस में ना फर्स्ट क्लासेस AC 2 टायर और AC 3 टायर के कोच लगे होते हैं। भारत की सारी राजधानी एक्सप्रेस में कैटरिंग की फैसिलिटीज होती है। भारत में टोटल 24 राजधानी ट्रेन्स चल रही है 15 राज्यों की। स्पीड की बात की जाए राजधानी एक्सप्रेस की, तो भारत में सारी राजधानी एक्सप्रेस की मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर से 150 किलोमीटर पर आवर तक रहती है, तो वही एवरेज स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर तक रहती है। दोस्तों, आज हम फास्टेस्ट राजधानी एक्सप्रेस की लिस्ट में ओनली एवरेज स्पीड को कंसिडर करेंगे, ना कि मैक्सिमम स्पीड को। तो उसके बेसिस पर ही लिस्ट जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं लिस्ट टॉप 10 की बॉटम से लेकर टॉप तक। नंबर 10 पर है भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस। दोस्तों, ट्रेन नंबर 2281 2812। भुवनेश्वर न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ये ट्रेन है जो ओडिशा स्टेट की राजधानी ट्रेन है। दोस्तों, ओडिशा की कैपिटल को भारत की कैपिटल न्यू दिल्ली से ये ट्रेन जोड़ती है। दोस्तों, ये ट्रेन ओडिशा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों से होकर जाती है। ईस्ट कोस्ट रेलवे इस ट्रेन का ऑपरेटर है, तो वही ये ट्रेन डेली चलती है न्यू दिल्ली और भुवनेश्वर दोनों रेलवे स्टेशन से। दोस्तों, इस ट्रेन की शुरुआत 1994 से हुई थी और ये ओडिशा स्टेट की पहली राजधानी एक्सप्रेस भी है जो वाया आगरा रेलवे स्टेशन चलती है। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड 76 किलोमीटर पर आवर तक होती है, तो वही मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर की होती है। नंबर 9 पर है चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस। दोस्तों, ट्रेन नंबर 12433 12454, ये ट्रेन चेन्नई सेंट्रल से हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन तक चलती है। ये ट्रेन तमिलनाडु राज्य की राजधानी एक्सप्रेस है जो 1993 से इस ट्रेन की शुरुआत हुई थी। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों से होकर ये ट्रेन जाती है। नॉर्थर्न रेलवे इस ट्रेन को ऑपरेट करता है, तो वही ये ट्रेन बी वीकली टाइप की ट्रेन है, यानी हफ्ते में 2 दिन ये ट्रेन चलती है। चेन्नई राजधानी तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई को भारत की राजधानी न्यू दिल्ली से जोड़ती है। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड 77 किलोमीटर पर आवर तक होती है, तो वही मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर तक होती है। नंबर 8 पर है, यानी 8 पर हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस वाया पटना। दोस्तों, ट्रेन नंबर 12305 12306, ये ट्रेन हावड़ा से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन तक चलती है। यह राजधानी भारत की सबसे बड़ी राजधानी एक्सप्रेस है जो 1 मार्च 1969 को शुरू हुई थी। दोस्तों, हावड़ा राजधानी वेस्ट बंगाल की मेजर सिटी या कहे राजधानी, उसे नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली से जोड़ती है। ये ट्रेन दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल जैसे राज्यों से जाती है। ईस्टर्न रेलवे इस ट्रेन को ऑपरेट करता है, तो इस ट्रेन की एवरेज स्पीड 79 किलोमीटर पर आवर तक होती है और मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर तक होती है। नंबर 7 पर है अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस। दोस्तों, ट्रेन नंबर 12953 12954, और ये ट्रेन मुंबई सेंट्रल से हजरत निजामुद्दीन दिल्ली रेलवे स्टेशन तक चलती है। इस ट्रेन की शुरुआत 1 जनवरी 1992 में हुई थी। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, इन राज्यों से ये ट्रेन चलती है। वेस्टर्न रेलवे इस ट्रेन को ऑपरेट करता है, तो वही ये ट्रेन डेली चलती है हजरत निजामुद्दीन और मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से। दोस्तों, अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस ना महाराष्ट्र को नेशनल कैपिटल दिल्ली से जोड़ती है। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर की होती है, तो वही मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर तक होती है।
नंबर सिक्स पर है पटना राजधानी एक्सप्रेस। दोस्तों ट्रेन नंबर 123091230 ये ट्रेन राजेंद्र नगर पटना टर्मिनल से न्यू दिल्ली तक चलती है। पटना दिल्ली सेक्शन की ये फास्टेस्ट ट्रेन है। पटना राजधानी एक्सप्रेस ने बिहार राज्य को भारत की राजधानी दिल्ली से आपस में जोड़ती है। इस ट्रेन की शुरुआत 1996 में हुई थी। इस सेंट्रल रेलवे इस ट्रेन को ऑपरेट करता है, तो वही ये ट्रेन पटना राजधानी यानी जो पटना राजधानी है ना, पटना और नई दिल्ली से डेली चलती है। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड 83 किलोमीटर पर आवर तक होती है, तो वही 130 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड होती है इस ट्रेन की। नंबर फाइव पर है सियालदह राजधानी एक्सप्रेस। दोस्तों ट्रेन नंबर 123131234 ये ट्रेन सियालदह से न्यू दिल्ली तक चलती है। ये ट्रेन वेस्ट बंगाल की तीसरी राजधानी है, जो वेस्ट बंगाल की मेजर सिटी सियालदह को भारत की कैपिटल न्यू दिल्ली से जोड़ती है। इस ट्रेन की शुरुआत 2000 में हुई थी। वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली इन राज्यों से ट्रेन चलती है। ईस्टर्न रेलवे इस ट्रेन को ऑपरेट करता है, तो वही सियालदह राजधानी सियालदह और न्यू दिल्ली से डेली चलती है। दोस्तों सियालदह राजधानी ना वेस्ट बंगाल की सेकंड फास्टेस्ट राजधानी ट्रेन है, तो वही तीसरी सबसे फास्ट ट्रेन है वेस्ट बंगाल की। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड 84 किलोमीटर पर आवर तक होती है, तो वही 130 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड होती है सियालदह राजधानी। नंबर फोर पर है हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस वाया गया। दोस्तों ट्रेन नंबर 123011302 ये ट्रेन हावड़ा से न्यू दिल्ली तक चलती है। वेस्ट बंगाल की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन हावड़ा राजधानी ये है। दोस्तों इस ट्रेन की शुरुआत भी 1 मार्च 1969 में ही हुई थी, यानी पहली राजधानी ये भी थी। ये राजधानी भी वेस्ट बंगाल को भारत की राजधानी न्यू दिल्ली से कनेक्ट करती है। ईस्टर्न रेलवे इस ट्रेन को ऑपरेट करता है, तो वही वीक के 6 दिन में ये ट्रेन चलती है। 130 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड इस ट्रेन की होती है, तो वही 86 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड होती है इस ट्रेन की। नंबर तीन पर है अब मुंबई सेंस एमटी राजधानी एक्सप्रेस, या सेंट्रल रेलवे राजधानी एक्सप्रेस भी कह सकते हैं। दोस्तों ट्रेन नंबर 4-21 और 5-2 ये ट्रेन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई से हजरत निजामुद्दीन दिल्ली तक चलती है। इस ट्रेन को मुंबई सीएसएमटी राजधानी एक्सप्रेस के अलावा सेंट्रल रेलवे राजधानी एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र की राजधानी और भारत की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई को भारत की राजधानी दिल्ली से जोड़ती है। हफ्ते के 4 दिन ये ट्रेन चलती है, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली इन राज्यों से होकर ये ट्रेन जाती है। इस ट्रेन की शुरुआत 19 जनवरी 2019 को हुई थी, यानी लास्ट ईयर ये ट्रेन की शुरुआत हुई थी और 4 नंबर पे हुई थी इस ट्रेन की शुरुआत महाराष्ट्र में। सेंट्रल रेलवे इस ट्रेन को ऑपरेट करता है। दोस्तों इस राजधानी की टॉप स्पीड या मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर तक होती है, तो वही 87 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड इस ट्रेन की होती है। नंबर टू पर है मुंबई राजधानी एक्सप्रेस। दोस्तों ट्रेन नंबर 12951 12952 ये ट्रेन मुंबई सेंट्रल से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन तक चलती है। 17 मई 1972 को शुरू हुई है मुंबई राजधानी महाराष्ट्र स्टेट की सबसे पहले शुरू हुई राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन है। महाराष्ट्र को दिल्ली से इजीली कनेक्ट कराती है ट्रेन। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली इन राज्यों से ट्रेन चलती है। वेस्टर्न रेलवे इस ट्रेन को ऑपरेट करता है, तो वह ये ट्रेन डेली मुंबई सेंट्रल और न्यू दिल्ली से चलती है। 130 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड इस ट्रेन की होती है, तो वह 89 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड इस ट्रेन की होती है। अब नंबर वन पर बढ़ते हैं, जो नंबर वन पर है महाराष्ट्र की ही बांद्रा राजधानी एक्सप्रेस, जो 2017 में ट्रेन शुरू हुई थी तीसरे नंबर। दोस्तों ट्रेन नंबर 09003-09004 ये ट्रेन बांद्रा टर्मिनस से हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन तक चलती है। महाराष्ट्र की तीसरे नंबर पर शुरू हुई ये एक्सप्रेस राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन है, जो 15 अक्टूबर 2017 से शुरू हुई थी। दोस्तों भारत की ये ट्रेन थर्ड फास्टेस्ट ट्रेन है आफ्टर गतिमान एक्सप्रेस एंड वंदे भारत एक्सप्रेस। ये ट्रेन महाराष्ट्र को भारत की राजधानी दिल्ली को दिल्ली से कनेक्ट कराती है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली इन राज्यों से ये ट्रेन जाती है। वेस्टर्न रेलवे इस ट्रेन को ऑपरेट करता है, तो ये ट्रेन बांद्रा टर्मिनस और हजरत निजामुद्दीन से डेली चलती है। दोस्तों बांद्रा राजधानी एक्सप्रेस की मैक्सिमम स्पीड ना 150 किलोमीटर पर आवर की होती है, जो डायरेक्टली गतिमान एक्सप्रेस को टक्कर देती है, क्योंकि गतिमान एक्सप्रेस की भी मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर की होती है, जो इसके आजू बाजू में ही है।
ये ट्रेन भारत की थर्ड फास्टेस्ट ट्रेन है। बांद्रा राजधानी एक्सप्रेस की एवरेज स्पीड 99 किलोमीटर पर आवर की होती है। तो दोस्तों ये रही टॉप 10 फास्टेस्ट राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन की लिस्ट। वीडियो कैसी लगे नीचे कमेंट करें। और हाँ, ऐसे ही प्रीमियम ट्रेन्स की टॉप 10 फास्टेस्ट या जो भी टॉप 10 की लिस्ट अगर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में करिए कमेंट, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन भी दबा दीजिए ऐसे रेलवे से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के